कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को दिल्ली में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया गया है और इसी को लेकर अब सियासत भी भड़की हुई है। केंद्रीय आवास मंत्रालय ने नोटिस देकर प्रियंका को 1 अगस्त तक सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा है और इस पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार गांधी परिवार से निजी दुश्मनी भुना रही है। गांधी परिवार की अगली पीढ़ी की नेता माने जाने वाली प्रियंका वाड्रा का पता जल्द बदलने वाला है। लुटियन दिल्ली के जिस सरकारी बंगले में करीब 2 दशकों से प्रियंका और उनके परिवार का ठिकाना था, वो उन्हें अब खाली करना होगा। केंद्र सरकार के आवास मंत्रालय ने प्रियंका गांधी को एक नोटिस भेजकर बंगला खाली करने को कहा है। नोटिस में लिखा है, गृह मंत्रालय ने आपकी SPG सुरक्षा वापस लेकर Z+ सुरक्षा प्रदान की है, जिसके तहत आपको आवास आवंटित करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए आपको मकान नंबर 35 लोधी एस्टेट का आवंटन रद्द किया जाता है। आपको सलाह दी जाती है कि ये मकान 1 अगस्त 2020 से पहले खाली कर दें। प्रियंका गांधी को नोटिस मिलते ही कांग्रेस बिफर पड़ी और मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। पहले SPG सुरक्षा हटाना, फिर दिल्ली के VIP इलाके में गांधी परिवार की पहचान बन चुके बंगले से बेदखल करना, कांग्रेस को लगता है कि ये सब निजी दुश्मनी का नतीजा है जो मोदी सरकार कांग्रेस और गांधी परिवार से भुना रही है। लेकिन BJP की दलील है कि जो भी हुआ नियमों के तहत हुआ। इंदिरा जी की हत्या हुई, राजीव गांधी की हत्या हुई, तो उनको हमेशा सुरक्षा का खतरा रहता। सुरक्षा कारणों से ही उन्हें ये छोटा सा बंगलो मिला हुआ था, उसको खाली करा लेना जबकि उनकी सुरक्षा जो है वो अभी भी Z श्रेणी के ऊपर है, उसके बाद ही बंगलो खाली करा लेना उचित नहीं है, एक अनुचित कदम है जो नहीं करना चाहिए था। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रियंका जी, उनका 23 साल तक वो लोधी एस्टेट के घर में रहती थी। स्वाभाविक तौर से 23 साल लंबे अवधि होती है और क्योंकि अब वो SPG कवर में नहीं है, SPG कवर संवैधानिक होता है जिसमें परिवार के सदस्य उसमें उनको उस कवर के नाते, उस सुरक्षा के नाते उनको घर दिया जाता है, सरकारी घर दिया जाता है। बंगला खाली करने के नोटिस पर प्रियंका या गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकारी आदेश का पालन तो उन्हें करना ही होगा। बंगले के बहाने उन्हें जो सियासी हमले करने थे वो उनके सिपहसालारों ने कर दिए, लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मौके को भी प्रियंका भविष्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। माना जा रहा है कि प्रियंका दिल्ली से लखनऊ शिफ्ट होंगी, जहां इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल के मकान को उनके लिए तैयार किया जा रहा है। यूपी की सियासत में प्रियंका 2019 में ही एंट्री कर चुकी हैं। अब लखनऊ में ही बेस बनाकर वो कांग्रेस को उसका खोया जनाधार वापस दिलाने की कमान संभालने की तैयारी में हैं। दिल्ली से मनीष पांडे और आनंद पटेल के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।